नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। म्यूजिक वीडियो किस तरह से आप एडिट कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। और ऐसे ही कई सारे वीडियोस मैं अपने चैनल के ऊपर बना करके डालूंगा। ये पहला वीडियो है। देखिए, म्यूजिक वीडियो, हम म्यूजिक बनाने के बारे में बात नहीं करेंगे, वीडियो एडिटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। अब म्यूजिक वीडियो में अपने हिसाब से दो तरीके के मानता हूँ। एक तो जो आप म्यूजिक देखते हैं टी सीरीज वगैरह के ऊपर जो म्यूजिक वीडियो डाले जाते हैं, वो हो गए। और दूसरे वाले जो स्टेज वाले हो गए, स्टेज डांस वाले। दोनों के एग्जांपल मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर ये गाना है और ये जी म्यूजिक कंपनी का डाला हुआ है। तो इसके अंदर म्यूजिक रिकॉर्ड पहले हो गया कंप्लीट, उसके बाद में शूटिंग हुई है और उसके बाद में एडिटिंग हुई है, ठीक है। और एक यहाँ पर ये वीडियो है जो स्टेज के ऊपर है, यहाँ पर देखिए। तो एक ये इस तरह का मोर म्यूजिक लाइव, मोर म्यूजिक के ऊपर ये डाला हुआ है। तो इस तरह से खूब सारे वीडियोस आज के टाइम में आपको मिल जाएंगे। तो ये दो तरह के हो गए। सेकंड वाला जो है, इसके अंदर शूटिंग सिर्फ एक या दो कैमरे से मुश्किल से होती है, या एक कैमरे से या दो कैमरे से स्टेज के ऊपर बस गाना बज रहा होता है और उसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है। और यहाँ पर जो डाला हुआ है, इसके अंदर फिर थोड़ी सी एडिटिंग करके इफेक्ट डाले हुए। अब वो इफेक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए किस तरह के इफेक्ट्स हैं। देखिए, एक इफेक्ट जो है वो यहाँ पर डाला हुआ है, जस्ट स्क्रीन को ब्लिंक किया हुआ है, ब्लैक किया हुआ है बीच बीच में थोड़ा सा। और इसी तरह से इस टाइप के वीडियोज के अंदर भी इफेक्ट डाले हुए रहते हैं, लेकिन यहाँ पर इस टाइप के वीडियोज की बजाय यहाँ पर इफेक्ट्स बीच बीच में थोड़े से ज्यादा डाले हुए रहते हैं। क्योंकि ये मोस्टली क्या है कि एक कैमरे या दो कैमरे से शूट किया हुआ रहता है, एक ही लोकेशन पे रहता है, तो इसके अंदर जब इफेक्ट ज्यादा डालते हैं तो इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ता है। लेकिन इसके अंदर वो शूटिंग के अंदर डांस होता है वो उसका काम कर देता है, और थोड़ी बहुत इफेक्ट ऊपर से डालने के बाद में और अच्छे तरीके से एडिट करने के बाद में ये अच्छे लग जाते हैं, दोनों ही टाइप के। अब मैं ये बता रहा हूँ आपको कि म्यूजिक वीडियो एडिट करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान में रखना है। देखिए, सिंपल जो वीडियो एडिटिंग करते हैं उसी तरह से हम वीडियो म्यूजिक वीडियो एडिट करेंगे, लेकिन उससे अलग होगा। अलग ऐसे कि आपके सामने एक रास्ता होगा म्यूजिक का, उसके ऊपर चल करके आपको वीडियो एडिट करना है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, जब गाना बज रहा होता है तो कोई डांस करता है उसके ऊपर, तो वो गाने की जो बीट होती है, ताल होता है, रिदम होती है, उसके ऊपर डांस कर रहा होता है। जैसे समझ लीजिए सिंपल सा ढोल है, तो ढोल के ऊपर इस तरह से डांस करता है कोई भी व्यक्ति। एक कोई गाना है, जैसे ये गाना मान लीजिए, यहाँ पर इस गाने के ऊपर मैं दूसरा अभी एड करके चलाऊं, जैसे कि मान लीजिए इसका तो मैं म्यूट कर देता हूँ और यहां से ये चलाता हूँ, तो ये बात यहाँ पर आपको पता चल गई होगी कि फिर वो मिसमैच लगता है। गाने के अंदर कितनी एडिटिंग की हुई है, कैसे अच्छा डांस किया हो, लेकिन गाना अगर दूसरा बजा दें जिस गाने के ऊपर डांस किया है उसके अलावा, तो वो पूरा पूरा क्या लगेगा, हमें मिसमैच लगेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर मैच करवाना है। सिंपल बात ये है कि आपको यहाँ पर वीडियो के अंदर ग्राफिकली डांस भी करवाना है। ग्राफिक्स को एक तरह से जो इफेक्ट्स हैं, जो ट्रांजेक्शन इफेक्ट या बीच में जो आप इफेक्ट देख सकते हैं, उनका डांस करवाना है एक तरह से, सीधी बात यही है। चलिए अब चलते हैं हम प्रीमियर प्रो के अंदर। ये काम आप अधिकतर किसी भी वीडियो एडिटर के अंदर कर सकते हैं। जिस वीडियो एडिटर के अंदर ज्यादा ऑप्शंस होंगे उसके अंदर आपके लिए ऑप्शन ज्यादा अवेलेबल रहेंगे, तो आप और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और जिस वीडियो एडिटर के अंदर थोड़े से ऑप्शन होंगे, कम ऑप्शन होंगे, तो भी ये काम आप कर सकते हैं। अधिकतर वीडियो एडिटर के अंदर ये काम आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ प्रीमियर प्रो, ये मेरे पास में यहाँ पर प्रीमियर प्रो है, और ये एग्जाम्पल के लिए हमारे पास में यहाँ पर डांस का वीडियो भी है, ठीक है। इसके अंदर नीचे की साइड में वो गाना है, तो इस तरह के गाने तो आपने खूब सारे देखे होंगे आज के टाइम में। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, राइट क्लिक करने के बाद में एक यहाँ पर न्यू सीक्वेंस बना लेता हूँ। देखिए, ये सीक्वेंस बना ली, और उसके बाद में यहाँ पर ये वीडियो ले आता हूँ। ये मैं यहाँ पर वीडियो लेकर के आ गया। ये वीडियो थोड़ा सा मोबाइल से शूट किया हुआ है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर स्केल कर देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर स्केल कर दिया, ये स्केल कर दिया, थोड़ा सा पोजिशन इसके नीचे की साइड में ले आते हैं, और ये आपका वीडियो यहाँ पर तैयार है। अब ये जो है गाना, अब इस तरह से अगर आप रिकॉर्ड करेंगे, तो ये जो वीडियो रिकॉर्ड किया गया है, ये मोबाइल के अंदर गाना चला के रिकॉर्ड किया हुआ है, तो गाना भी इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो आप बाद में गाना रिप्लेस कर सकते हैं, वो इतना आसान है। देखिए, ये गाना है यहाँ पर लाजवाब, और इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। दोनों को यहाँ पर राइट क्लिक करके सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और सिंक्रोनाइज कर देंगे, ये मैंने आपको पहले बताया, ओके कर देंगे, जिससे क्या होगा, दोनों गानों के अंदर ऑटोमेटिकली मैच कर देगा। अब मैच कर दिया, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर जो पार्ट है इसको कट कर देंगे, और अब हमें क्या करना है, इसी तरह से लास्ट में भी आप कर देंगे,
ऊपर वाला जो है उसको अनलिंक कर देंगे, नीचे वाला है उसको डिलीट, इस पुराने वाले गाने को डिलीट कर देंगे, नए वाले के पास में इसको छोड़ देंगे इस तरह से। अब दोनों को सिलेक्ट करके लिंक कर देंगे और नजदीक में ले आएंगे। पूरा जो गाना है आपको सुनना पड़ेगा और उस गाने के साथ में आपको एडिटिंग करनी पड़ेगी। अब इसको थोड़ा सा नीचे की साइड में ले लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास में ये गाना है, इसको आप क्या करें, टाइमलाइन को जूम कर लें, इस तरह से जूम कर लें, जूम कर लें। जैसे जितना आप जूम करते जाएंगे तो ये आपको ऊपर नीचे वेव फॉर्म के अंदर आपको ऑडियो दिख रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो यहाँ पर आपको गाने का वो पार्ट निकालना है जिसके ऊपर आप एडिट करना चाहते हैं, जिसको आप बीट कह सकते हैं, ताल या रिदम जिसको बोलते हैं। तो बीट होती है वो एक म्यूजिक का एक टुकड़ा होता है, ऐसे समझ लीजिए। तो ये देखिए आपको अलग से ही दिख रहे हैं ये टुकड़े, अगर मैं इनको प्ले करूंगा तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये अलग अलग चलेगा। तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, देखिए। अब मान लीजिए यहाँ पर आपको एडिट करना है तो कैसे करेंगे एडिट, देखिए। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं एक कट लगा रहा हूं, एक यहां पर लगा देते हैं, एक यहां पर लगा देते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस पार्ट को सेलेक्ट करेंगे और मैं सिंपल सा एक इफेक्ट देकर के आपको बता रहा हूं। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, स्केल इफेक्ट यूज ले रहा हूं। एक की फ्रेम यहां पर बना लिया, एक थोड़ी दूर चलेंगे और यहां पर इसको थोड़ा सा इस तरह से जूम कर देंगे और स्टार्टिंग वाले की फ्रेम को कंट्रोल सी से कॉपी करके लास्ट में यहां पर एक बार फिर से पेस्ट कर देंगे। तो तीन की फ्रेम यहां पर हो गए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इन तीनों की फ्रेम्स को यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक करेंगे और यहां पर आपको सिलेक्ट करना है बेजियर, ठीक है। आप यहां पर बेजियर सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा स्मूथली जाएगा और आप प्ले करके देखिए, ये देखिए कुछ इस तरह से आ रहा है, ये म्यूट किया हुआ है, देखिए। अब क्या कर सकते हैं आप इसको, यानी कि इन तीनों की फ्रेम को यहां से कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करने के बाद में नेक्स्ट के अंदर आप जाएंगे, इस तरह से यहां पर पेस्ट कर देंगे और यहां पर अब देखिए, अब इस तरह से मैंने यहां पर बना दिया। पूरे वीडियो के अंदर म्यूजिक के हिसाब से आपको इसी तरह से करना है, जहां पर ये म्यूजिक इतना सा पार्ट बजा तो वहां पर कुछ ना कुछ इफेक्ट आपको देना है। इसी तरह से अगर आप मल्टी कैमरे से रिकॉर्ड किया हो तो जो ट्रांजेक्शन आएंगे उनके अंदर आप म्यूजिक के हिसाब से ट्रांजेक्शन देंगे। ऐसे नहीं है जब ऐसे लगे कि जैसे ये बीट आ रही है तो यहां पर, यहां से लेकर आप यहां पर आप ट्रांजेक्शन इफेक्ट दे रहे हैं। अगर कैमरा नेक्स्ट चेंज हो रहा है तो यहां पर फिर दूसरी साइड से आप दिखा सकते हैं। अब ये तीन पार्ट के अंदर मेरा किया हुआ जो है पहले से मैं यहां पर दिखा देता हूं। देखिए कट कर करके इस तरह से ये आप बनाएंगे तब इस तरह से होगा, देखिए। अब ये मैंने यहां पर दिया, इसी तरह से पूरे पूरे वीडियो के अंदर आपको देना होगा। मैं इससे रिलेटेड और भी वीडियोस बनाऊंगा अपने YouTube चैनल के ऊपर। अगर आप नए व्यूअर हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूंगा और मेरी पुरानी वीडियोस हैं उनसे आप कनेक्टेड रहेंगे। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं एक बार फिर से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।